बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स नोट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एलिजाबेथन पोएट्री, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके जो पोट्स हैं उनके वर्क्स को डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन प्रोज को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके राइटर्स को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एलिजाबेथन प्रोज। एलिजाबेथन प्रोज ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के एलिजाबेथन जो इरा है उसमें ओरिजिन हुआ किसका? मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का। द एलिजाबेथन पीरियड वाज आल्सो द पीरियड ऑफ द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। नेक्स्ट जो है वह है फॉर्म ऑफ अम्यूजमेंट एंड इंफॉर्मेशन। जो प्रोज है इसको किस फॉर्म कहा जाता है? अम्यूजमेंट की एंड इंफॉर्मेशन की, कि इससे हमें ये हमारी दिलचस्पी या तफरी का भी बायस बने और साथ ही साथ ये हमें इससे के जरिए हमें मालूम भी हासिल हुई। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अम्यूजमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड इट्स पॉपुलैरिटी इंक्रीज बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। और इसके जरिए इसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी क्योंकि प्रिंटिंग मशीन्स आ गई थी। जब प्रिंटिंग मशीन्स आ गई थी तो किताबें जो हैं वो धड़ाधड़ प्रिंट होने लगी और आम आवाम थी उन तक ये तमाम बुक्स पहुँची और उन्होंने इन्हें पसंद किया और ये उनके लिए तफरी का बायस भी बनी और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन का भी। नेक्स्ट है कि बुक्स अपेयर्ड इन अ लार्ज नंबर। बुक्स कौन सी थी? बुक्स ऑन हिस्ट्री, ट्रैवल, एडवेंचर्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ इटालियन स्टोरीज अपेयर्ड इन अ लार्ज नंबर। कि जो बुक्स लिखी गई प्रोज की वो थी हिस्ट्री से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, एडवेंचर से रिलेटेड और इसके अलावा इटालियन जो स्टोरीज थी उनकी ट्रांसलेशन की गई। तो बहुत सी जो लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंची किससे रिलेटेड? एडवेंचर से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड। और ये सारी इनकी तादाद क्या थी? बहुत ही ज़्यादा थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज इनरिच्ड। इंग्लिश लैंग्वेज वाज इनरिच्ड बाय बॉर्डर्ड वोकैबुलरी फ्रॉम एंशिएंट ऑथर्स। के इस टाइम जो है इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इनरिच हुई क्योंकि जो वोकैबुलरी ली गई वो कहाँ से ली गई थी? एंशिएंट ऑथर से। और उनकी जो वोकैब थी वो बहुत बेहतरीन थी, इस वजह से जो है इंग्लिश लैंग्वेज इनरिच हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटॉक्सिकेशन ऑर्नेट स्टाइल। एलिजाबेथन पीपल फील इंटॉक्सिकेशन फॉर द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑर्नेट स्टाइल। कि जो एलिजाबेथन के लोग थे उन्हें क्या होता था कि इंटॉक्सिकेशन फील होती थी और अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके ऑर्नेट स्टाइल से, उसको यूज़ करने से, उसको पढ़ने से, उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने से उन्हें बहुत मुसर्रत या खुशी महसूस होती थी। नेक्स्ट है कि एलिजाबेथन लव्ड डेकोरेटिव मोड्स। के द एलिजाबेथन लव्ड डेकोरेटिव मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्लावरी स्टाइल्स। और उन्हें किस क्या पसंद था कि एक्सप्रेशन एंड फ्लावरी स्टाइल पसंद था। जैसे कि हम देखते हैं कि बेकन जो है उन्होंने जो अपने एसेज लिखे उसमें उन्होंने फ्लावरी स्टाइल यूज़ किया और जो थिक वर्ड्स है वो उन्होंने यूज़ किए जो पढ़ने में भी बहुत खूबसूरत है और उनके मीनिंग्स भी बहुत खूबसूरत थे। इसके अलावा जो प्रोज राइटर्स हैं वो कौन से हैं? उनमें मेन जो है वो दो हैं, एक है जॉन लिली है और सेकेंड है सिडनी। जॉन लिली पैदा हुए 1554 में और उनकी डेथ हुई 1604 में। उसके बाद है सिडनी है, थर्ड है रिचर्ड हेक्लर्स हैं, उसके बाद है मेलोरे हैं, उसके बाद है थॉमस नॉर्थ और नेक्स्ट है सैमुअल पर्शियस। तो चलिए इनका आगे वर्क देखते हैं। सबसे पहले है लिली। ये क्या है? द फर्स्ट ऑथर हु रोट प्रोज इन द मैनर दैट द एलिजाबेथन वांटेड। कि ये के जो वो पहले ऑथर थे जिन्होंने एलिजाबेथन लोग जो थे उनके मिजाज के मुताबिक या उनकी सोच समझ के मुताबिक उन्होंने अपना वर्क लिखा। उसके बाद नेक्स्ट है कि ही रोट यूफीज विद हाईली आर्टिफिशियल एंड डेकोरेटिव स्टाइल। के क्या था? उन्होंने यूफीज लिखी जो कि आर्टिफिशियल थी और डेकोरेटिव स्टाइल जिसमें उन्होंने यूज किया। जिस तरह के एलिजाबेथन के लोग चाहते थे उन्हें क्या पसंद था? उन्हें फ्लावरी स्टाइल जो है उसको पढ़ना पसंद था और उनको यूज करना पसंद था। इट इज फुल ऑफ ग्रेव रिफ्लेक्शन एंड विटी मॉरल्स एंड ही यूज ब्यूटिफुली एलिट्रेशन एंड एल्यूजन्स इन हिज प्रोज। और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपने प्रोज में एलिट्रेशन यूज किए और उसके साथ साथ एल्यूजन्स यूज किए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यूफीज में यूज किया द बुल बींग टाइड टू द फॉक ट्री लॉसिथ हिज टेल।
and the whole herd of deer stand at gaze if they smell sweet apple. उन्होंने इसमें एल्यूजन्स यूज किए और साथ साथ एलिट्रेशन यूज किए अपनी अपने वर्क को को लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए. नेक्स्ट है सिडनी. सिडनी ने क्या किया, आर्कैडिया इज द फर्स्ट इंग्लिश एग्जाम्पल ऑफ प्रोज पेस्टोरल रोमांस. ये उनका जो पहला वर्क है और इंग्लिश इंग्लिश की जो तारीफ है उसमें भी जो कि लिखा गया प्रोज पेस्टोरल रोमांस पे. नेक्स्ट है कि आर्कैडिया बिगिंस अ न्यू काइंड ऑफ इमेजिनेटिव राइटिंग. के आर्कैडिया क्या है, आर्कैडिया और इमेजिनेटिव राइटिंग की एक न्यू काइंड उसने मुतारिफ करवाई. एंड इट इज आल्सो फुल ऑफ पैथेटिक फैलेसी. पैथेटिक फैलेसी उसको कहते हैं कि जिसमें हम कोई बेजान चीज है उसमें हम ना इंसान का जो इंसान के औसाफ इंसानी औसाफ उसमें हम जाहिर करें. अब जैसे हम कहते हैं कि फ्रेंडली सन, अब जो सन है वो फ्रेंडली नहीं हो सकता लेकिन हम उसके अंदर वो चीज़ इंसानी जो है इमोशंस उसके अंदर डाल रहे हैं. तो इसी तरह इसको क्या कहते हैं, पैथेटिक फैलेसी. नेक्स्ट है कि और रिचर्ड हकलिट्स, उन्होंने लिखा द प्रिंसिपल नेविगेशन, उसके बाद वॉयज एंड डिस्कवरीज ऑफ द इंग्लिश नेशन. All this time there was a great deal of travel and adventure on the sea. Next है Mallory, और he wrote a great prose romance Morty D. Arthur. उनका सिर्फ यही वर्क है रोमांस इनका Mallory का Morty D. Arthur. उसके बाद है कि Samuel Purchas published the Hakluyt's papers under the title Purchas His Pilgrims. और उसके बाद है A History of the World in Sea Voyages and Land Travel. उनका भी यही मेन वर्क है और Mallory का है Morty D. Arthur. इन दोनों के यही मेन वर्क हैं जो कि एलिजाबेथन एरा में ज्यादा फेमस रहे. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. ये तमाम नोट्स जो लिए गए हैं ये डॉक्टर बी आर मुले की बुक अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वहाँ से लिए गए हैं और वहाँ से आपके पास रिफाइन करके और पॉइंट्स के साथ आपके साथ शेयर किए गए हैं. तो काइंडली कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.